नमस्कार, इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। तो महाराष्ट्र की सरकार पर महासंकट के बीच एक और बड़ी खबर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उद्धव पर भरोसा जताया गया है। शिवसेना नेताओं ने उद्धव के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। एकनाथ शिंदे, रामदास कदम को नेता पद से हटाने पर भी चर्चा चल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे और रामदास कदम को नेता पद से हटाने पर चर्चा चल रही है। बड़ी खबर यह है कि उद्धव के नेतृत्व पे तमाम समर्थकों ने भरोसा जताया है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शिवसेना की जारी है और इसमें उद्धव पर भरोसा जताया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उद्धव पर भरोसा जताया है। शिवसेना नेताओं ने उद्धव के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। तो देखिए, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने साथ मौजूद विधायकों की संख्या में इजाफा कर रहे हैं, ऐसे में ये बड़ी बैठक थी। और देखिए, इस बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया है वो ये कि शिवसेना बाला साहेब और उद्धव की ही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मराठी मानुष से जुड़ी रहेगी शिवसेना। तो ये प्रस्ताव रखा गया है। जिस तरीके से शिवसेना की विचारधारा को आधार बनाकर एकनाथ शिंदे ने अपनी नाराजगी जाहिर की, उनके साथ मौजूद विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और ये आरोप लगाया कि मौजूदा शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा से भटक गए हैं, हिंदुत्व से भटक गए हैं और अब उसी का जवाब इसे समझा जा सकता है। प्रस्ताव जो रखा गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो ये है कि शिवसेना की बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया है वो ये रखा गया है कि शिवसेना बाला साहेब और उद्धव की ही है। पवन मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। पवन, ये जो प्रस्ताव रखे गए हैं इसकी क्या मायने निकाले जाएं और क्या कुछ डिटेल अंदर से निकलकर आ रही है बाहर? जी बिल्कुल, अगर आप इस बात पर गौर करेंगे कि जो जो प्रस्ताव रखे गए हैं वो उन्हीं डॉटेड लाइंस पर है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे या कोई भी आम जन जानना चाहेगा। उद्धव ठाकरे की कोशिश ये है कि पार्टी में जो जो संगठन में उनके साथ हैं उनके साथ सीधा संवाद किया जाए और ये जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं कि उद्धव पर भरोसा है, हम उनके साथ हैं और जो नेता एकनाथ शिंदे को नेता पद से हटाया जाए, इस तरह के ये सारी बातें ऐसी हैं जिनका अनुमान पहले से था, डॉटेड लाइन्स पे है, कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि जो जो इस कार्यकारिणी में मौजूद है वो सब खुद उद्धव ठाकरे के समर्थक रहे हैं और अगर विधायक नाराज होकर जाते हैं तो पार्टी के संगठन में बहुत से लोगों को संभावनाएं नजर आती हैं, तो संगठन पर कब्जा करना विरोधी गुट के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होगी और बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं उनमें देखना होगा कि ये रेजोल्यूशन डॉटेड लाइन्स पर हैं, इनके मायने क्या हैं और अगर आप देखेंगे तो इनके मायने आज के दिन संख्या बल के हिसाब से नहीं है और संख्या बल फिलहाल विधानसभा में है। तो अगर विधानसभा में संख्या बल नहीं रहता है तो फिर ये संगठन और दोबारा का संघर्ष उद्धव ठाकरे का फिलहाल नजदीकी फ्यूचर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए संघर्ष तो नजर आ रहा है लेकिन एक बात और पवन गौर करने वाली होगी। जो आधार बनाया गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से, बाला साहेब के विचारधारों का जिक्र किया गया था, कुछ उसी से जुड़े हुए प्रस्ताव भी हैं। यानी फिलहाल जो लड़ाई है शिवसेना के अंदर वो असली वर्सेस नकली की नजर आती है। इस पर आपसे जवाब लेंगे पवन, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। मुंबई में 19 शिवसैनिकों को हिरासत में लिया गया है। कुर्ला में तोड़फोड़ के मामले में हिरासत में लिया गया है। एमएलए मंगेश कुंडालकर के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। शाखा प्रमुख दिलीप मोरे हिरासत में लिए गए हैं। तो जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है अब सड़कों पर उतर के, शिवसैनिक सड़कों पर उतर के उन तमाम विधायकों को टारगेट कर रहे हैं जो बागी हो चुके हैं, जो एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कालिख पोती जा रही है, गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। हिरासत में लिए जा रहे हैं वो तमाम शिवसैनिक जिन पर आरोप है कि उन्होंने ही तोड़फोड़ की है। 19 शिवसैनिकों को हिरासत में लिया गया है। कुर्ला में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस होर्डिंग को तोड़ा जा रहा है। हाथों में आपको इनके लाठियां नजर आ रही होंगी जो इस होर्डिंग को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे होंगे। तो फिलहाल जो प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरीके से शिवसैनिक सड़कों पर हैं और जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, उसके बाद अब पुलिस भी एक्शन में है। कोशिश यह है कि ऐसा ना हो कि माहौल बिगड़ जाए। देखिए शिवसेना भवन के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और बाहर सैकड़ों की तादाद में शिवसैनिक जमा हैं। बागी विधायकों को लेकर उद्धव के समर्थक गुस्से में हैं। आज जो है
ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि वो बाला साहब की शिवसेना नाम से अलग गुट बनाएंगे, तो ये आपको आपको कैसा लग रहा है ये बाला साहब? मेरे को यही कहना है, बाला साहब ने जब बोला था कि मेरे उद्धव साहब और अजीत साहब के साथ में रहो, नहीं सोचा है और बिगर सोच कर गए हो, गद्दार है, शिवसैनिक के नहीं है, शिवसैनिक शिवसैनिक के है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अलग शिवसेना बनाते तो क्या शिवसेना कमजोर हो गया ऐसा आपको लगता है? देखो, शिवसेना कभी भी किसी के जाने से ना कमजोर हुई, ना किसी के आने से कमजोर हुई। शिवसेना ये संघर्ष में से बनी हुई पार्टी है। बाला साहब ने लड़ना सिखाया, बाला साहब ने हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया है। हमारे साथ एक आदमी रहेगा तो भी हम लोग 100 लोग बना देंगे। संजय राउत कह रहे की जो शिवसेना को ज्यादा छेड़ो मत, वरना वो शिवसेना का बगुला हो गया तो फिर हंगामा करेगा। बिल्कुल सही है, बराबर बोल रहे हैं। शिवसेना को नहीं इन्हें बड़ा किया है, शिवसेना को ही द्वारा ये मंत्री आमदार खासदार बने बैठे हैं। जब शिवसैनिक इनको रास्ते पे लेके जो उनका प्रचार करता है, तब उसका जो हाल होता है उनको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब यहाँ से वो भाग के जाते हैं, ऐसे उद्धव साहब को बताया नहीं जाता, उनको ऐसे बिन बताए वो चला गया है, लेकिन ऐसे बताया जाता तो उद्धव साहब उसका मार नहीं निकालते, हाला वहाँ से हल निकालते, उसे जो उनको चाहिए उस तरीके से की जा रही। एकनाथ शिंदे को जरूर एक नेता से हटाया जाएगा 100%। बराबर बोल रहे हैं, हमेशा जो बात शिवसैनिक बोलते हैं वही उद्धव साहब सुनते हैं, बाकी किसकी बात नहीं सुनते, लेकिन शिवसैनिक की जो भावना है वो भावना पूरे पूर उद्धव साहब को मालूम रहती है। पहले जो उद्धव साहब जानते हैं वो शिवसैनिक को जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवसैनिक यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार वो घोषणा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। तो शिवसेना के अंदर ही असली और नकली की जो जंग है वो जरूर देखने को मिल रही है। पवन, देखिए बेशक नंबर्स की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे मजबूत स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन जिन सेंटीमेंट्स का जिक्र किया जा रहा था उन सेंटीमेंट्स को जगाने में तो कम से कम उद्धव ठाकरे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। जी, एक संदेश गया है, वो सेंटीमेंट कितना जमीन पर उतरा हो देखना होगा, क्यों विरोध हुआ है बागी विधायकों का। लेकिन इससे पहले अगर इतिहास में देखें, जब जब कोई इस तरह से बागी हुआ है तो जबरदस्त प्रदर्शन और विरोध होता था, लेकिन यहाँ कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं वो भी संबोधन के बाद। तो कोशिश ये है कि संगठन फिलहाल अभी उद्धव ठाकरे साथ दिखाई दे रहे हैं, अभी स्थिति इसलिए भी स्पष्ट ज़्यादा नहीं है क्योंकि कितने नगर सेवक या कितने जिला अध्यक्ष और प्रचार मंत्री पहुंचे उसके नंबर सार्वजनिक नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और बहुत सारे ऐसे आए थे। यहाँ की भीड़ को भी अगर एक पैरामीटर माना जाए तो उद्धव ठाकरे इस राजनीतिक बदलाव के बीच में रोकना चाहूंगी, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी स्पीकर ने 16 बाकी विधायकों को नोटिस भेज दिया है, सोमवार शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब मांगा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डिप्टी स्पीकर ने 16 बाकी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है, सोमवार शाम 5 बजे तक इन बाकी विधायकों को इस नोटिस का जवाब देना होगा। तो देखिए, इसी की संभावनाएं जताई जा रही थी, ऐसी ही जानकारी लगातार मिल रही थी और यही कयास लगाए जा रहे थे कि 16 ऐसे विधायक हैं जिनको डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है, और ऐसा ही हुआ है। 16 बाकी विधायकों को ये नोटिस भेजा गया है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, और सोमवार तक का समय जो है वो दिया गया है, सोमवार तक इन बाकी विधायकों को जिन जिन के नाम से नोटिस गया है, 16 कुल ऐसे बाकी विधायक हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है, इन्हें सोमवार शाम 5 बजे तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। इस नोटिस पे जवाब मांगा गया है। और राजीव मेरे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, उद्योग कैंप की तरफ से प्राची इस तरह की मांग की गई थी कि 16 विधायकों का निलंबन किया जाए, और उस पर डिप्टी स्पीकर की तरफ से फैसला लिया गया है, उन्हें एक नोटिस सर्व किया गया है सबसे पहले, जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया है क्योंकि उद्धव कैंप ने इनकी शिकायत की थी जब ये बागी हुए थे। फिलहाल सोमवार 5 बजे तक जवाब देने का समय दिया गया है। अभी इस पूरे मामले में और विस्तृत जानकारी आनी बाकी है कि किस आधार पर जो है डिप्टी स्पीकर ने उद्धव कैंप की जो मांग थी तो उसमें किन
किन तथ्यों को ध्यान में रखकर ये नोटिस भेजी गई और नोटिस में लिखा क्या कुछ गया, क्योंकि अभी तक नोटिस की कॉपी जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नोटिस सर्व कर दिया गया। सुबह से ही हम इस खबर को बता रहे थे कि आज जो उद्धव कैंप जो मांग की थी उसमें शिंदे ग्रुप के 16 विधायकों को नोटिस दोपहर के बाद सर्व हो सकता है, और वो भी तब जब उद्धव और आदित्य की दोपहर को 1 बजे के बाद बैठक होनी, उस बैठक के बाद ये नोटिस सर्व किया जाएगा। देखिए मीटिंग 1 बजे शुरू हुई और अभी थोड़ी देर के बाद ही ये नोटिस भी सर्व कर दिया गया, तो जाहिर बात है कि एक दबाव बनाने की जो रणनीति है उस रणनीति के तहत उद्धव कैंप कहीं ना कहीं अब काम कर रहा है। एक तरफ संजय राउत के बयान आ रहे हैं कि सड़क पर देखा जाएगा, निपटा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ टेक्निकल तरीके से भी कहीं ना कहीं विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही हमने सदर सरवणकर से बात की जो कि शिंदे ग्रुप के हैं, उसमें हमने इस निलंबन को लेकर सवाल पूछा था कि आप लोगों को नोटिस इश्यू हो सकता है, निलंबन की मांग उठ रही है, तो उनका स्पष्ट कहना था कि उससे उनको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि दो तिहाई बिल्कुल देखिए एक तरफ जहां उद्धव प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार हैं इन तमाम नोटिसेस का जवाब देने के लिए। इस बीच मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, मुंबई से गुवाहाटी तक हलचल तेज है। गुवाहाटी होटल में बागियों की बैठक भी शुरू हो गई है। मुंबई में शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है तो गुवाहाटी में भी मंथन चल रहा है। गुवाहाटी में जो बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है उनकी भी बैठक शुरू हो गई है, क्योंकि एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और आनंद हमारे सहयोगी गुवाहाटी से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आनंद, अब अंदर जो बैठक चल रही है, एक बैठक मुंबई में चल रही है शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें प्रस्ताव एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों के खिलाफ भी आ सकते हैं, ऐसी मांग वहां समर्थक कर रहे हैं। एक दूसरी बैठक जो गुवाहाटी में चल रही है उसका क्या एजेंडा है, क्या अंदर से जानकारी आ रही है? जी देखिए, ये बैठक 2 बजे शुरू होने वाली थी लेकिन ये बैठक अभी कुछ देर पहले लगभग 2:30 बजे ये बैठक शुरू हुई। यहाँ गुवाहाटी होटल में एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और डिप्टी स्पीकर का जो नोटिस है उसको लेकर चर्चा की जा रही है कि आगे की इनकी रणनीति क्या होगी। जैसे कि बागी विधायक पहले भी कह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर का नोटिस मिलते ही हम आगे कानूनी इस पर राय लेंगे और हम कोर्ट जाएंगे, तो जो तैयारी इनकी तरफ से की जा रही है ये हाईकोर्ट में डिप्टी स्पीकर के इस नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं और उसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि लीगल एक्सपर्ट्स को जो संविधान जानकार है उनसे भी इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट शिंदे का ग्रुप जाएगा जहां पे इसको चैलेंज किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हम पहले ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जता चुके हैं और ऐसे में अगर हमने उनके खिलाफ अविश्वास जताया है और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है तो ऐसे में वो व्यक्ति जिस पे हमको भरोसा नहीं है वो हमें कैसे नोटिस दे सकता है और वो कैसे हमारी सदस्यता के बारे में फैसला कर सकता है। तो ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर एकनाथ शिंदे का जो गुट है फिलहाल बैठक कर रहा है, लीगल एक्सपर्ट से भी राय लेने की बात की जा रही है। हालांकि कई लीगल एक्सपर्ट से राय कल भी ली गई है, कल रात में भी ली गई है और अब उसको फाइनल किया जा रहा है कि कब हाईकोर्ट में पहुंचना है और ये बताया जा रहा है कि सोमवार को एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, अभी इसको लेकर बैठक चल रही है यहाँ पर। बिल्कुल बैठक चल रही है लेकिन ये जरूर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये हाई कोर्ट की तरफ भी जा सकता है, कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है। लेकिन आनंद, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि जो नोटिस डिप्टी स्पीकर की तरफ से 16 विधायकों को भेजा गया है उस नोटिस में क्या पॉइंट्स हैं, क्या बड़ी बात है, ये जानकारी क्या बाहर आई अभी तक? देखिए, हमने एक दो विधायकों से बात करने की कोशिश की तो उनसे बात हो नहीं पाई, उनके सहयोगी भी फ़ोन अभी नहीं उठा रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो शिवसेना की तरफ से शिकायत की गई है कि इन विधायकों ने एंटी पार्टी एक्टिविटी की और जो शिवसेना का नियम है और साथ ही साथ जो विधानसभा का नियम है उसके मुताबिक ये अपने आचरण पर खड़े नहीं उतरे और ऐसे में इन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में लिप्त रहे हैं और कुछ इनके बयानों का भी जिक्र किया गया है और उसी आधार पर इनकी सदस्यता को बिल्कुल लेकिन नोटिस जारी कर दिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट भी पूरी तरीके से तैयार है, मंथन चल रहा है कि इस नोटिस का जवाब कैसे देना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एकनाथ शिंदे के बेटे के दफ्तर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ की है, ठाणे के उल्लास नगर दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसैनिक सड़कों पर है, टारगेट किया जा रहा है उन तमाम बाकी विधायकों को जो शिवसेना का साथ छोड़कर फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि एकनाथ
एकनाथ शिंदे के बेटे के दफ्तर को अब टारगेट किया गया है, वहां पर तोड़फोड़ की गई है, तस्वीर भी सामने आ गई है, तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें उल्लासनगर से सामने आई हैं ठाणे के, जहां पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का दफ्तर है। यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे के समर्थक वाले गुट के जो लोग हैं, यानी कि जो समर्थक हैं शिवसेना के, वो पहुंचे हैं और तोड़फोड़ की गई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, जिन इमोशनल सेंटीमेंट्स का जिक्र किया जा रहा था, इशारा मिलते ही वो अब सामने आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।